किसकी सरकार बन रही है भाई? हरियाणा में तो यहाँ पे तो कांग्रेस ही आएगी भाई, कांग्रेस ही आएगी। हाँ यहाँ पे आप देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है तीसरी बार भाजपा सरकार। यहाँ का नहीं, वहाँ किसी का नहीं पता, हमने यहाँ का बेरा है, हम तो यहाँ का बेरा है भाई, यही पे लिखा हुआ है। लिखन तक तेरे माथे पे के लिख रहा है, शिव लिख रहा है के माथे पे तीन लगी रखी हुआ है। और जो जीरो बैलेंस के खाते खुले तो उनमें चवन्नी नहीं आई। मैं सारी कॉलोनी में आनता हूँ, जो पानीपत ग्रामीण में 65 कॉलोनी है और 42 गाँव है उनमें आनता हूँ मैं। कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सारे खड्डे सड़क टूटी पड़ी और नाले टूटे पड़े बनने जा रही है। बीजेपी ना बोई भी जमदी जमुना पार तारेंगे इबके। सरकार आओगी इबका हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आओगी कती। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। हरियाणा चुनाव के लेकर जिस तरह से गली मोहल्ले में जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई हैं, लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो दिखाए जो बीजेपी सरकार के जो काम होते हैं वो कहाँ नज़र आते हैं धरातल पे। तो आप हमारे सामने देख सकते हैं जो कैमरामैन दिखा रहे हैं वो हरियाणा राज्य परिवहन का पानीपत बस स्टॉप है और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरी बार भाजपा सरकार। लेकिन आप उस जो बस स्टॉप है उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्टाफ बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति एकदम बस से बदतर बनी हुई है। यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से देश में अगर कोई भी विपत्तियाँ आती हैं वो अगर आप 1000 साल पहले भी जाएंगे तो ये वही हरियाणा और पंजाब है जो देश पर जितने भी आक्रमणकारी करते थे आक्रमण, ये पंजाब और हरियाणा के लोग अपना सीना तान खड़े होते थे। और भी जो पीछे बीच में आप लोगों ने देखा जिस तरह से किसान मुद्दा, जो देश के किसान थे वो अपने हक और अधिकार के लिए जिस तरह से दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में बरसों तक सड़कों पर बैठे रहे। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार सरकार किसकी बनेगी? इनेलो की सरकार बनेगी। हाँ जी, इनेलो की सरकार बनेगी, भाजपा के लिए है पूरी पूर्ण मत है, इनेलो की सरकार बनेगी। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं चक्की चौराहे पर लिखा हुआ है कि तीसरी बार भाजपा सरकार। ये तो चोर हैं, दोनों पार्टी चोर है। के करया है इन्हें जो किसान खातर करया है, अबे ने करया है, सत्ता ही अबे है। ठीक है, सच्चा बोलता है। आप इनेलो की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी चल रही है, खत्म है ये तो। चोर बैठे हैं, चोर है, चोर हैं, चोर कति चोर है। 78 साल से इस देश में राज कर रहे हैं, बढ़ा दिया नून दा नून बढ़ा दी, भाई दा भाई बढ़ा दिया, आपस में कुछ बढ़ा दिया, आपस में और बढ़ा दिए, नून दा नून सब सौदा सिस्टम खराब कर दिया इन्हें। लेकिन आप जो इंग्लो की बात कर रहे हैं गठबंधन में, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज के लोग आ जाएंगे? पूरी बहुजन समाज पार्टी सब सौदा आएगा, सीएम बनेगा वे सिंह, बनेंगे बनेंगे सो के सो। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तो बहुत काम की है। वो तेल से पिट गया इंजन का, तो बिजली बात की 60 साल देश में कांग्रेस राज की और काम नहीं की, कुछ नहीं काम करे, चोर है सब, चोर है। हाँ चोर है सब। क्या कहेंगे ताओ इस बार किसकी सरकार बन रही हरियाणा में? इनको नहीं पता, इनेलो की सरकार बनेगी, इनेलो की सरकार बनेगी। चलिए और लोग हैं क्या कहेंगे बीजेपी की, क्या करते हैं आप? मैं डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं दो बनाता हूँ, दो ही बनाता हूँ, दो ही बनाते हैं। कितना कमा लेते हैं? 50,000। 50,000। चलिए, तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इस बार बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनाने जा रही है, और भाई साहब हैं जो काम वम करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनेगी? इसका आम आदमी पार्टी की बनेगी, आम आदमी पार्टी की। देखिए, एक भाई से आप थे जो कह रहे थे इनेलो की सरकार बन रही है, एक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, क्या कैसे? सीएम साहब ने जो श्रेणी ने जो उस महीपाल डांडा जी तक टिकट दिया ना, वो गलत है। अच्छा, जो जो बीजेपी से महिपाल टांडा जी हैं वो गलत हैं? गलत है, 10 साल से वो विधायक हैं, कुछ नहीं करके दिखाया उन्होंने। मैं सारी कॉलोनी में आनता हूँ, जो पानीपत ग्रामीण में 65 कॉलोनी है और 42 गांव है उनमें आनता हूँ मैं।
कुछ काम उन्होंने नहीं किया। सारे खड्डे सड़क टूटी पड़ी और नाले टूटे पड़े, नाले टूटे पड़े हुए हैं सब कुछ। डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही। और जो जीरो बैलेंस के खाते खुले थे उनमें एक चवन्नी नहीं आई, एक चवन्नी नहीं आई, नहीं आई। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं। कांग्रेस भी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी क्यों आए? उसको लाने हैं जो गरीबों का साथ देश का। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं बामन माजरे। चलिए तो ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और दादाजी क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? हुड्डा होगा, हुड्डा सरकार आएगी भाई साहब, हुड्डा सरकार आएगी। 100% 100% हरियाणा का किसान तंग है, तंग है, तंग है। रेट भी 2600 रुपए जीरी पे करी हमारी और रेट भी अब खोल ले हैं। हरियाणा का किसान तंग कहाँ है? और तंग नहीं, तंग नहीं, और कैसे होगा तंग है? बारिश होगी तो हम फसल होगी है, पानी भी नहीं छोड़ता नदी में। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत जो MP MLA हैं वो कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान कहाँ है? किसान वो तो राजा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे एक साल तक, वो तो विदेशी एजेंट है, खालिस्तानी है। खालिस्तानी क्यों? हम खालिस्तान कैसे हो गए? किसान हो गए, किसान हो गए। एक बात बताओ, आप प्रेस रिपोर्टर हो, एक साल तक हम हरियाणा के किसान बॉर्डर पर पड़े रहे कि नहीं पड़े रहे? MSP खातर अगर वो किसान होते तो अपने खेतों में होते नहीं थे क्या? हम वहाँ जाकर पड़े थे तो हम किसान नहीं है क्या? मारेंगे जिंदे और सरकार आ गई है। किसकी सरकार बना रहे हैं? हुड्डा सरकार, हुड्डा। लोग तो कह रहे हैं कि BJP सरकार बनने जा रही है। BJP ना कोई भी जमदी जमुना पार उतारेंगे, जमुना पार उतारेंगे। हाँ, जमुना पार है, डबल इंजन की सरकार है, हुड्डा सरकार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी? हुड्डा सरकार आवेगी, एक तरफा आवेगी, इसराना हल्के में नहीं आएगी कांग्रेस सरकार। ये भी लिख ले, इसराना हल्के में कांग्रेस नहीं आएगी और ऊपर सरकार ये हुड्डा सरकार बनेगी। हुड्डा सरकार इसराना हल्के में नहीं बनेगी, इसराना हल्के में पूरे नहीं। आप लोग कांग्रेस BJP से नाराज क्यों है इतना? हल्के में नहीं बनेगी कांग्रेस भाई, वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे एक साल के लिए, लेकिन उनको तो खालिस्तानी और विदेशी एजेंट बताया गया। नहीं बताया गया, हम वही पड़े रहे, वही पड़े रहे और भर के जा रहे। वो भी भाई साहब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। और ये कंडक्टर साहब है, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बना रहे आप लोग? सरकार आओगी, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आओगी कती? मैं ऑटो वाला से ही पूछूंगा किसकी सरकार बन रही है भाई हरियाणा में। तो यहाँ पे तो कांग्रेस ही आएगी भाई, कांग्रेस ही आएगी। हाँ, यहाँ पे आप देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है, तीसरी बार भाजपा सरकार। यहाँ का नहीं, वहाँ किसी का नहीं पता, हमने यहाँ का बेरा है, हम तो यहाँ का बेरा है भाई, यही पे लिखा हुआ है। लिखन तक तेरे माथे पे लिख रहा है, शिव लिख रहा है, माथे पे तीन लकीर है, क्यों हुआ है? तीन लकीर का मतलब लिखन तक कुछ नहीं होता है, लिखने से कुछ नहीं। इसराना गुआना नुड़था, विकास से होता है कि नहीं? विकास तो बिरयानी कौन करवाता, जिसकी सरकार होगी वही करवाओगा, तो विकास ही तो लिखा हुआ है। फिर जिसकी सरकार होगी वही होगा ना विकास, तो तू सरकार बना लेते कराते हैं विकास तो भाई। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की है, वो तो बात ये बात मेरा चल रही है, इलेक्शन होने दे फिर देखेंगे कौन सी के करेगी के नहीं करेगी भाई। ठीक है, इलेक्शन होने दिया जाए। तो ये कुछ लोग थे, मैंने उनसे बात किया। ऑटो चलाते ना, कोई अड्डा नहीं, ऑटो वाले का कहीं भी अड्डा नहीं है, कोई अड्डा नहीं है, कोई अड्डा नहीं है, कोई भी अड्डा नहीं है, कोई अड्डा नहीं है। आप लोग कहाँ स्टैंड है आपका? स्टैंड कड़ा है, कितने भी को नहीं है, कोई अड्डा नहीं है, बस स्टैंड पे भी को नहीं है, नुड़थेड़ा किसी अड्डा नहीं है, बाबरपुराड़े का है, नुड़थेड़े का कितने भी अड्डा को नहीं है मेरे भाई। गुआने रोड पे कितने अड्डा नहीं है, हमारे उठाई गिरे की तरफ। कांग्रेस की सरकार थी तो टेम्पो स्टैंड था, जब भी नहीं था, अभी भी नहीं है भाई, अब भी नहीं था, अब भी नहीं है, नहीं है देना। उस सरकार उस टाइम पे था कांग्रेस सरकार की, कभी तो कह रहे की था ही नहीं, आप कह रहे की था, अड्डा नहीं था जब भी गलत बोल लेंगे, ये कह रहे की है ही नहीं था, आप कह रहे की है। तो चलिए यहाँ पे
काफी लोगों से बातचीत हुई, जिस तरह से चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तो जिस तरह से लोगों में जो रोष देखने को मिल रहा है, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।